फैसला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। ओएसी जो कहता है कि हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार से जो स्पर्धा शुरू हो चुकी है वोट बैंक के पॉलिटिक्स को लेकर, ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज तीन तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है, इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली रही है। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने, वो मुसलमान नहीं रहना चाहिए, उसकी तमाम निशानियां जो हैं ये खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या स्कूली हिजाब की गर्मी अब 24 के चुनाव तक पहुंच चुकी है? क्या हिजाब और भगवा स्कार्फ अब ईवीएम पर असर डाल पाएगी? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है, ये सवाल आज इसलिए बड़ा हो चुका है क्योंकि एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक हिजाबी महिला के पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का दावा कर दिया है। हिजाब के सवाल पर इस देश की सियासत किस तरीके से हिला कर रख दी है, यह आप सबसे छिपी हुई बात नहीं है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुआ यह मामूली सा विवाद अब कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग भड़का दी, और इसके अलावा अब क्या हो रहा है यह भी हम आपको बता रहे हैं कि ओवैसी उस पर सियासी रोटियां सेकने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच अब हमारे साथ एक पूरा पैनल है, और पैनल में कौन कौन है सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराऊं और फिर डिबेट की शुरुआत होगी। शहजाद पुनेवाला बीजेपी से, अमीना शेरवानी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता माफ कीजिएगा, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक है, असीम वकार एआईएमआईएम के नेता है, अनुमा आचार्य कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, शोएब जमई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के पर्सन है। सबका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एआईएम के पास जाना चाहती हूँ। वकार साहब, क्या समझा जाए, हिजाब की आड़ में सियासत कर रहे हैं, हिजाब छोड़ के खोल कर मैदान में आइए। आपकी लाइन क्या है? मेरी लाइन है, आप समझाइए तो सही, हिजाबी पीएम क्यों? हिजाबी पीएम क्यों? जब एक जाफरानी कुर्ता और जाफरानी लुंगी पहनने वाला आदमी ये सोच सकता है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो एक हिजाब लगाने वाली, एक सिविलाइज्ड, एक बेहतरीन जिस्म को ढकने वाली महिला क्यों नहीं सोच सकती कि प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या भारत के संविधान में मना है? जब इंदिरा गांधी बन सकती हैं प्रधानमंत्री, मैंने हिजाब नहीं पहना, मंत्री बन सकती हैं, मैंने हिजाब नहीं पहना, मैंने ये ब्लेजर पहना है। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपने अभी एक बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। मैं ये ब्लेजर पहनी हूं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझमें संस्कार नहीं है, मैं लिहाज नहीं करती हूं किसी का? आपकी ये आपकी अपनी आजादी आप पहनी नहीं, तो आप अगर ये मेरी आजादी है तो उन मुस्लिम बच्चियों की आजादी क्यों नहीं है? अगर ये मेरी ब्लेजर पहनने की आजादी है, यहां बैठकर न्यूज पढ़ने की, तो मुस्लिम बच्चियों की आजादी क्यों नहीं है? उसमें आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप परेशान कुछ ज्यादा दिख रही हैं। बिल्कुल परेशान हूं मैं। आप वहां अभी भी बढ़ जाएगा आपका, आप आराम से बात कीजिए। नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहिए, अच्छी बात नहीं है। आपने ऐसे शब्द का अभी शुरुआत में इस्तेमाल कर दिया कि मुझे इस लेवल पे आना पड़ा है। आराम से आपने इस लेवल पे ला दिया मुझे। आराम से जो जिस्म को ढके, आपने ये कहा था ना, मुझे नहीं ये रिपीट करना था, लेकिन मुझे कहना पड़ा है, आपने ये कहा था ना साहब? आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए आराम से बात करते हैं। चलिए, किसको बनना चाहिए देश का? मैंने क्या कहा था बताइए तो मुझे। देश का पीएम किसको बनना चाहिए? नहीं, मैंने कहा हर व्यक्ति सोच सकता है कि हम बनेंगे, ये अधिकार है उस आदमी की सोच का, इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती आप। तो ये कहिए ना, मैं तो ओवैसी साहब को बधाई भेजती, मैं ओवैसी साहब को बधाई भेजती अगर वो कहते कि कलाम बनो और कलाम बनकर इस देश का पीएम बनो, राष्ट्रपति बनो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने धर्म के दायरे में बांटा। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है जब वो बच्ची कॉलेज में स्कूटी खड़ी करती है और हिजाब लगाकर पैदल चलती है क्लासरूम की तरफ, अपने कॉलेज की एंट्री लेती है, तो जो 100-200 क्रिमिनल माइंडेड, आपने इंतजार नहीं किया, हाईकोर्ट क्या कहता है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दखल करेगा। आपने इंतजार नहीं किया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं सीधे बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला के पास जाती हूं। शहजाद जी, आपको क्या समझ में आता है? अभी इन्होंने जो मेरे से डिबेट की है उसी के जरिए बताइए क्या समझ में आता है आपको? ये क्या बहस नहीं हो पाएगी? ऐसे बिल्कुल बहस नहीं हो पाएगी। नीमा जी, बात होनी, आपका एक एजेंडा फिक्स है तो मैं बात रख सकता हूं अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। रीमा जी, बात तो ये होनी चाहिए कि जो किताबी मतलब शिक्षित और काबिल महिला है उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पर जिसके वकार साहब आप नाराज मत होइए, आप इस तरीके से माइक निकाल रहे हैं। वकार साहब आप एक बार सुनिए तो सही, मैं आप ही से बात कर रही हूं, आपके सवाल का जवाब तो हम लेंगे। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि इस डिबेट में वो बैठे वकार साहब, लेकिन चुभते हुए सवाल जब पूछे जाएंगे तो यकीनन हाल यही होगा। शहजाद जी, आप अपनी बातें पूरी कीजिए, अभी पूरा पैनल है और पूरे पैनल से मैं बातें समझूंगी, लेकिन जिस लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता कि मेरे जगह कोई और भी महिला होती तो वो सुनती और इस तरीके की बातें बर्दाश्त भी करती। शहजाद जी, देखिए रीमा जी, जिनकी सोच पर शरिया का हिजाब हो उनको संविधान का कहां ध्यान हो? जो वोट बैंक के शैतानी भाईजान हो तो वो तो किताबी मतलब शिक्षित और काबिल महिला को प्रधानमंत्री बनाए, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता है, तो इसलिए उस बात की वकालत नहीं करेंगे। और इसीलिए संवैधानिक पद को भी किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में बांटना है ये वही पार्टी कर सकती है जिसके नाम में मुस्लिमीन है। इन्होंने तो हमेशा धर्म के चश्मे से ही सबको देखा है। परंतु मैं सवाल दो तीन बुनियादी उठाना चाहता हूं। देखिए, आज पता चल गया कि हिजाब के पीछे की आग, इसके पीछे है सियासी वोट बैंक का हिसाब किताब, और इसीलिए कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अहमद पटेल ये मंदिरों को अपमान कर रहे हैं, कहीं पर समाजवादी पार्टी की नेत्री कह रही है कि मैं हाथ काट दूंगी, कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि देखिए आप धार्मिक ड्रेस कोड मत डालिए, आप एजुकेशन लीजिए, जब तक सुनवाई चल रही है, पर फिर भी उसको समाजवादी पार्टी कहती है कि मैं हाथ काट दूंगी। MIM के नेता कहते हैं हिजाबी प्रधानमंत्री होगा, ये नहीं कहते वंदे मातरम बोलने वाला प्रधानमंत्री होगा, ये नहीं कहते भारत माता की जय बोलने वाला प्रधानमंत्री होगा। पर कांग्रेस से मेरे दो तीन सवाल। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने उन लड़कियों को बरगलाया, बहकाया, और दिसंबर 2021 तक ऐसा कोई चलन नहीं था कि क्लासरूम के अंदर हिजाब पहना जाए। ये 35 साल से ये चला आ रहा है, वहां के प्रशासन भी बता रहे हैं, अंडरटेकिंग साइन की हुई है। ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि जब केरल सरकार ने यही चीज हिजाब पर प्रतिबंध स्टूडेंट पुलिस कैडेट पर लगाया तब उनको कोई सेकुलर आउटरेज नहीं हुआ, तब उन्होंने कोई इसका मामला नहीं बनाया। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि घूंघट जो है वो दक्यानुसी का निशान है, पर हिजाब जो है वो एम्पावरमेंट का कैसे बन जाता है? जब यही कांग्रेस पार्टी विकल्प की बात करती है तो शाहबानो से लेकर शायरा बानो तक जब विकल्प दिए गए मेंटेनेंस और ट्रिपल तलाक के कानून का, तो उसका विरोध क्यों किया अगर महिला सशक्तिकरण के साथ है? तो ये देखिए बार-बार ये आज होगी। मैं भी मन बना के बैठी हूं कि शाहबानो से लेकर अभी तक जितने भी कदम उठाए गए हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए, किस किस ने आवाज उठाई, कौन कौन वो पार्टी आती, आज सब बेनकाब हो गए। अनुमा आचार्य कांग्रेस पार्टी की लीडर है। अनुमा जी, बीजेपी के सवाल तो आप सुन ही रही थी, जो शहजाद जी ने सवाल उठाया है वो सुन रही थी, लेकिन अभी हालिया वक्त में कुछ ही देर में मैं एक बयान सुनवाने वाली हूं, और वो बयान सुनवाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछती हूं। कर्नाटक कांग्रेस के एक लीडर है, वो कहते हैं कि महिलाएं अगर हिजाब नहीं पहनती है, जो बुर्का नहीं पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, यही वजह कि उनके साथ रेप होता है। अनुमा जी, क्या आप भी ऐसा सोचती हैं? रीमा जी, मैं पहली चीज तो बताऊं कि इतना तल्ख डिबेट है तो थोड़ी सी बात ये करते हैं कि हम बासी दाल में तड़का लगाकर कितने दिन खा सकते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा कहा है। तो जब बीजेपी की मुख्य टीम का हिंदू मुस्लिम बिल्कुल सफल नहीं हुआ तो अब टीम बी को लगा दिया है। अरे भाई, देश में हिजाब और घूंघट मेन स्ट्रीम के मुद्दे थोड़े हैं, लेकिन क्या दिन आए हैं कि आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल को, आपके जैसी प्रतिभाशाली एंकर को और मेरे जैसे जिम्मेदार नागरिक को इस पे बात करनी पड़ रही है। इस बात की शर्मिंदगी मुझे भी है कि मैं बच्चियों को, इस देश की महिलाओं के लिए ये बैठ के बात नहीं कर रही हूँ कि वो फाइटर प्लेन उड़ाए, वो उड़ा रही है मुझे, और वो विकसित हो, वो उसकी बातें छोड़ के मैं हिजाब की बात कर रही हूँ। पहले वो स्टेटमेंट सुनवाती हूँ जो कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा है, फिर मैं आप ही से सवाल। पर मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, आप ही की बात, पहले आपकी सहूलियत के लिए मैं वो बयान सुनवा देती हूँ, पहले जमीर अहमद की, जमीर अहमद की बात सुनवाई जाए। उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से।
अनुमा जी, ये सुनने के बाद भी क्या तल्ख डिबेट नहीं होना चाहिए? देखिए, ये सब बयान क्यों आ रहे हैं? हाँ। बिल्कुल, मैं इस तरह की चीजों से सबका ही नहीं रखती हूँ। बहुत सीधी बात है, देखिए ये कोई बयान अगर किसी ने दिया है तो ये हिजाब की जो कंट्रोवर्सी शुरू करवाई है उसको आप देखिए, क्या मॉरल पुलिसिंग की बात से शुरू हुई थी बात कि सिख पगड़ी ना पहने, कड़ा ना पहने? तो आपने कहा कि बासी दाल में हम लोग तड़का लगा रहे, तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है इस पूरे हिजाब प्रकरण में? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? आप ही बैठ के क्लियर कर दीजिए, आपके नेता की बयान तो हमने सुनवा दिया अभी। मेरे तो वो तो नेता हमारे नहीं है, देखिए किसी का और का बयान आता है। नेता कांग्रेस के चेहरा है, आप कह रही हैं कि अब उनको ही नहीं पहचानते? सुनिए ना रीमा जी, रीमा जी आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो क्या फायदा? मैं फौज में 24 साल रही, वहां पर कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता, तो मुझे थोड़ा सा आदत नहीं है इस तरह बार बार की इतना ज्यादा टोकने की। पूरी बात तो कहने दीजिए। मेरा ये कहना है कि आइए ना हम चर्चा करते हैं कि पेट्रोल के दाम 7 मार्च से बढ़ेंगे या 10 मार्च से बढ़ेंगे। क्यों अभी पेट्रोल पे बात करें? हिजाब पे क्यों नहीं बात करें? क्यों नहीं बात करें? जब योगी आदित्यनाथ, सुनिए, जब योगी आदित्यनाथ, करूंगी मैं आप एक लाइन में, बस एक लाइन में मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ 80 और 20 कहते हैं तो आपको उसमें 80 में हिंदू समझ में आता है, 20 में मुस्लिम समझ में आता है? जब ओवैसी कहते हैं कि हिजाब वाली पीएम बनेगी तो आपको पेट्रोल पे चर्चा करनी है ना? अरे हिजाब वाले जो पीएम बनने की बात करते हैं, चलिए मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। शेख अपनी रग को क्या करे, रेशे को क्या करे, मजहब के झगड़े छोड़ दे तो पेशे को क्या करे। यही हो रहा है इस देश, समझ गई ना इसका क्या मतलब है? मैंने वही समझाया है आपको कि जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दे बनाना है, उन्हें मंच पे रखना है, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाए। हाँ। और इसी पर चर्चा के लिए आपने आमंत्रित किया है। क्या खूब कांग्रेस पार्टी ने तरीका अपनाया है। और मानना मैं कर रही हूँ बैठ के, नेता खुलेआम बैठ के हिजाबी कहे, हिजाबी पीएम बन जाए, लेकिन सवाल पूछे, मुद्दा उठाए तो अवमानना कौन कर रहा है? एंकर कर रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा गुनाहगार। चलिए चलिए, असीम वकार जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। वसीम अकार, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से वही है कि अगर आपको अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी है तो खुल कर कीजिए, आप हिजाब की आड़ क्यों ले रहे हैं? मेरा बस यही सवाल है, आपकी नाराजगी सर आंखों पर। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ा सा संयम बरत कर एक ऐसे बात कीजिए जैसे लोग देखने वाले देखेंगे। हाँ। दो शरीफ लोग बात कर रहे हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। देखने वाले ये ना कहें कि साहब आसिम वकार तो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छी तरह से बात कीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। मैंने खाली इतना कहा कि जिस जिस तरह के लोग बयानात जारी कर रहे हैं, 27 दिसंबर को ये मामला शुरू हुआ हिजाब का, 27 दिसंबर से लेकर और परसों तक के तो हम लोग नहीं बोले जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने भी सवाल कई लोगों से पूछा कि अगर मुसलमानों का कोई मामला आए तो ये पूछा जाता है तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है, कि ये कहाँ कुरान में है, ये कहाँ कुरान में है, खाना कहाँ है। अभी हमारे भारत में एक कानून बनाया गया, और एक ऐसा कानून बनाया गया, एक ऐसी चीज के लिए बनाया गया जिसको सभी धर्मों में, सभी सिविलाइज्ड जो पॉपुलेशन है उनमें और सभी धर्मों में उस बात को ये कहा जाता है ये गुनाह है। ये कहा गया कि एक मर्द दूसरे मर्द से संबंध रख सकता है, उससे शादी कर सकता है। एक औरत के साथ शादी कर सकती है, संबंध रख सकती है, ये गुनाह है, सभी धर्मों में है मैडम, सारे धर्म धार्मिक किताबों में इसका, इसको गुनाह कहा गया, सभी समाज के जो वर्ग हैं उसको बुरा मानते हैं। देश धर्म नहीं पूछा गया कहां लिखा किताब में, कौन सी किताब में लिखा है, देश धर्म से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? मैडम सुनिए, मैडम नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा बहुत आराम से डिबेट करेंगे, आपसे मैं आप ही से पूछ रही हूँ, बहुत आसान शब्दों में पूछ रही हूँ, देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे संविधान से चल रहा हूँ, चलने दीजिए उसको। तो मामला हाईकोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब एक मर्द बुरके को लेकर, हिजाब को लेकर, तो फिर आपको भी सब रखनी चाहिए ना। मेरा सवाल तो बहुत सीधा और सरल है कि जब मामला दो दो अदालतों में है, फिर क्यों क्यों ये कहने की जरूरत पड़ी है कि हिजाब? अच्छा, एक और ओवैसी साहब की बाइट आ गई है, वो बयान पहले सुनवा देती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की माँ और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को दुआ डालने जाएंगे तो हो सके और बुरका और ने
निकाब पहन कर जाए। शहजाद जी, आप बहुत देर से बोलना चाहते हैं, अब एक और बयान आ चुका है सामने। पहले तो हिजाबी पीएम को लेकर बयान है ही है, अब ये आ चुका है कि बुरके में जाएं वोट गिराने के लिए। देखिए, ऐसा है कि किसी को हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, पर जब एक शैक्षणिक संस्था के अंदर भी रोक नहीं थी, क्लासरूम जब चल रही थी, पहले से कोई चलन नहीं था। मैं अनुमा जी एक एयरफोर्स में रही है, उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर कल कोई लड़की, मुस्लिम लड़की जो एयरफोर्स में आपकी तरह होगी या आर्मी में होगी, वो कहेगी मैं आर्मी का यूनिफॉर्म एयरफोर्स का यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी, मैं हिजाब पहनकर ही सर्व करूंगी, तो क्या ये यूनिफॉर्म का और डिसिप्लिन का पालना होगा या ये गलत होगा, इसके बारे में पहले आप बताइए। और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के चार बार के विधायक रहे हैं जमीरुद्दीन खान, जिनका बयान आपने बताया, वो कहते हैं कि हिजाब में महिला नहीं रहेगी तो बलात्कार हो जाएगा। तथ्य ये है और न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि 48% रेप जो होते हैं वो बुर्खा में जो महिलाएं उनके रेप हुए हैं, तो क्या ये तथ्य है कि बुर्खा वाली का जो महिला है उसका रेप नहीं होता? इस प्रकार से रेप जैसे गंभीर मामले पर बयान देना और प्रियंका वाड्रा का बयान देना, कांग्रेस के नेताओं का कोर्ट पहुंच जाना, अरे महंगाई पर चर्चा करनी है तो महंगाई की चर्चा कीजिए ना, फिर क्यों आपके नेता कोर्ट पहुंचे? कपिल सिब्बल क्यों पहुंचे? बीवी श्रीनिवास क्यों पहुंचे? देवदत्त कामत क्यों पहुंचे कर्नाटका हाईकोर्ट? मामले को तूल आप ही दे रहे राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की सियासत करने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, दोहरा मापदंड देखिए, शाह बानो और शायरा बानो पर पूछिए अनुमा जी को स्टैंड, अगर वो महिलाओं की चॉइस के साथ है, विकल्प के साथ है, तो उनको तीन तलाक के कानून का चॉइस क्यों ना हो? मेंटेनेंस के कानून का चॉइस क्यों ना हो? आपके आपके सवाल पे उन्हें हंसी आ रही है। हाँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि स्कूल में मिलिट्री रूल नहीं होता। स्कूल में राखी के दूसरे दिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बहन की बांधी हुई राखियां बांध कर आते हैं। किस प्रकार की बात कर रही है? शैक्षणिक संस्थान के रूल होते हैं, आपकी सरकार ने बनाया था, कर्नाटक का एजुकेशन है, आपको जानकारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में जहाँ पे आपकी सरकार है, वहां पर किशोरी पेडणेकर और आदित्य ठाकरे ने कहा है स्कूल में केवल यूनिफॉर्म चलेगा, प्लीज वो बाइट चला दीजिए। रीमा जी, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में इनकी सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे और किशोरी पेडणेकर बॉम्बे मुंबई की किशोरी पेडणेकर की बातें नहीं, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। और देखिए आपका जो प्रोफाइल है, पूछ रही है जवाब लगातार लगातार अनुमा जी दे रहे हैं, अनुमा जी प्रवक्ता लगातार जवाब दे रहे हैं। अनुमा जी, आप ऐसे प्रोफाइल से हैं कि हम सबको उम्मीद है कि आप इस देश की बेटियों को और खासकर उन बेटियों को जिनके हिजाब को लेकर सियासत की जा रही है, कम से कम उनके लिए तो आप स्टैंड लेंगी। देखिए, ऐसा है, जो मैं आपको कहना चाह रही थी हूँ ये है कि अगर यूनिफॉर्म की बात करते हैं और फौज की बात कर रहे हैं, तो फौज का मिलिट्री रूल नहीं है। हमारा संविधान 2 साल में इसीलिए बना कि सबके लिए उसमें जगह हो। तो ये जो चीजें संविधान के दायरे में जो 5 चीज 4 चीजें हैं उसके अंदर आ जाती हैं। और जैसे सिख लोग कड़ा पहनते हैं, पग पहनते हैं, हम कलावा पहनते हैं, बिंदी पहनते हैं, कोई हिजाब पहनता है, ये सारी चीजों के लिए संविधान में सहूलियतें भी है, सबकी आस्थाओं का सम्मान भी है। अनुमा जी, लेकिन अनुमा जी मुझे फिर मतलब आप कड़ा और हिजाब को एक ही तरीके से तौल रहे हैं। गलत है ना, एक ही गलत नहीं, सुनिए ना, केवल हेड कवर है वो रीमा जी, केवल हेड कवर है। अच्छा सुनिए, मैं हिजाब की कोई वकालत नहीं कर रही हूँ, ये कौन बीच बीच में बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा रोकिए, उनको थोड़ा सा रोकिए, जो बीच बीच में बोल रहे हैं उनको थोड़ा रोकिए। अनुमा जी, या तो आपकी जानकारी कम है या तो आप सिखों की पगड़ी उतरवाना चाहती हो, और कांग्रेस पार्टी का सिखों के विरोध में किस प्रकार का रवैया रहा है हम जानते हैं। क्या आप सिखों के पगड़ियों के खिलाफ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभिनंदन मांगा माना है? खुद को शर्मिंदा ना करें। अरे आपको खुद को शर्मिंदा करने की बात, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं पता है? सुप्रीम कोर्ट का 2015 का आपने ऑर्डर पढ़ा है? सवाल आप मुझसे करते हैं, जवाब पूरी दुनिया देती है। जहालत रोग का जो दिल के अंदर, वही मजहब हमारा हो गया है। तो इतने संजीदा मसले पे, इतने संजीदा मसले पे आप शेर शायरी पे लगी हुई है, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी आपसे, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी। और आपके पार्टी में तो उदाहरण भी है, शाह बानो के वक्त में एक मुस्लिम लीडर को जब लगा कि ये फैसला गलत है तो फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मुझे आपसे उम्मीद इतनी बस थी कि आप महिलाओं के मामले पे पार्टी लाइन से अलग होकर भी थोड़ा बात करूंगी, लेकिन मैं वक्त जाया कर रही हूँ, मैं शोएब जमाई के पास जाती हूँ। शोएब जमाई, आपका क्या स्टैंड है ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है? देखिए रीमा जी, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो ओवैसी साहब का वही बयान है जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हिजाब पहनी जो बच्चियां हैं, मुस्लिम समाज में कई लड़कियां हिजाब पहनती हैं, पूरे देश भर में होता है, उनकी भी ख्वाहिश है
और वो भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, राइट। आज हम इसी मुद्दे पे सिर्फ बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, पूरे देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको चुन करके वहां भेजा, ठीक। लेकिन फिर भी वो अपने भगवा हिजाब, भगवा जो उनका जो चोला है, उनका मजहबी, उनका धार्मिक जो है, धार्मिक अनुष्ठान हो, मंदिरों में पूजा हो, सार्वजनिक स्थलों पर वो अपने धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो जब देश के एक चीफ मिनिस्टर को जब इस बात की इजाजत है अपने मजहब के मुताबिक रह करके जिंदगी गुजार के उस तरीके से कपड़ा पहन के संवैधानिक पद पर बैठने के लिए, तो देश की कोई महिला, कोई बच्ची अगर यहाँ से कभी फ्यूचर में अपने मजहब, अपनी पहचान के साथ अगर देश की प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसमें हमें गर्व करना चाहिए या सवाल पूछना चाहिए? नंबर जी जवाब दीजिए। नंबर टू, मैं आपको छोटा एग्जांपल, लेकिन मैं पहले शहजाद जी से, क्योंकि योगी रीमा जी का जिक्र हुआ है, तो आप ही जवाब दीजिए जी। रीमा जी, किसने रोका है हिजाबी महिला को प्रधानमंत्री बनने से? संविधान तो सबको मौका देता है, और योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि किसी पीठ के महंत है, इसकी वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वो काबिल है, क्योंकि उनमें क्षमता है, इसलिए वो मुख्यमंत्री है। यही तो हम कह रहे हैं कि किताबी और काबिलियत और क्षमता देखिए महिला की, ना कि वो हिजाबी है या हिजाबी नहीं है। और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने का उसका जज्बा होना चाहिए। आप इस बात से अग्री करते, इत्तेफाक रखते हैं कि आपके लिए हिजाबी ज्यादा जरूरी है, ना कि उसका किताबी होना, क्षमतावान होना और राष्ट्रभक्ति से लीन होना? आपके लिए क्या जरूरी है? शोएब जी, आप अपने चेहरे से ये जो धार्मिक चश्मा है ना, उसको उतारिए। आपने जो धार्मिक चश्मा पहन रखा है ना, इसी की वजह से आपकी दिक्कत है जी। रीमा जी, मैं जवाब दूं? हम बिल्कुल जी। एक बात उठी कि किताबी हाँ। काबिलियत वाली होनी चाहिए या हिजाब वाली होनी हाँ। चाहिए? इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। एक महिला है समीरा फाजली, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की सरकार में, व्हाइट हाउस के अंदर, जिनके पास मैं नहीं जा पाई हूँ, मुझे उनके पास जाना भी है, इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर हैं, और वो डायरेक्टर इकोनॉमिक काउंसिल की, कोई मजहबी मामला नहीं है, पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, वो हिजाब पहन करके अमेरिका के व्हाइट हाउस से पूरी दुनिया को एड्रेस करती है, चाहे तो गूगल करके देख लीजिए। तो जब एक हिजाब सफर करवा दूं, इकोनॉमिक डायरेक्टर दो इस्लामिक कंट्री जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ की दो ताकतवर महिलाओं का जिक्र मैं करने जा रही हूँ, जिनकी मुरीद मैं भी रही हूँ अपने निजी जीवन में। एक है पाकिस्तान की लीडर बेनजीर भुट्टो और अभी शेख हसीना बांग्लादेश की। क्या इन महिलाओं को जरूरत पड़ी? क्या हमने जब उन्हें देखा या आपने जब उन्हें देखा तो उनके सर पे आपने हिजाब ढूंढा, बुरका ढूंढा, या फिर उनकी काबिलियत देखी? क्या देखा आपने इन दो मुस्लिम कंट्री की महिलाओं को देखकर? जितना फख्र मुझे शेख हसीना जी का होता है, जितना बेनजीर भुट्टो का होता है, उतना समीरा फाजली का भी होता है। और जो प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब पहन के, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ, उनके लिए भी गर्व होगा, सारी महिलाओं के लिए गर्व है। मैं इसमें भेदभाव नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका मानना है आप महिलाओं की इज्जत में हिजाब, सेक्युलर देश है और यहाँ सबके रगों में सेक्युलरिज्म है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का वो हो, वो काबिलियत है और वो चुन के आता है, तो वो देश का प्रधानमंत्री, वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है, बन सकती है, ये हुआ भी है। आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए। लेकिन आज जब आप हिजाब के आड़ में सियासत कर रहे हैं, तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि देश में चुनाव है और चुनाव पे असर डालना चाहते हैं। आप कहिए, खुल के आप खुल के कहेंगे, हम स्वीकारेंगे। आप मुस्लिम बेटियों को बढ़ाना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती हैं, या मुस्लिम बेटियों के लिए कैद और बंदिश करना चाहती हैं हाँ। कि या तो हिजाब चुन लो या किताब चुन लो, ये आप तय करें कि वो बेटियां अगर इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, हम अपनी पहचान के साथ बनना चाहें। बीच से आप भी हट जाइए, बीच से मैं भी हट जाती हूँ। वो बच्चियां चुने कि उन्हें हिजाब पहनना है, किताब पढ़ना है, क्या करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला हाई कोर्ट में है, कर्नाटका हाई कोर्ट में। हम क्यों बहस कर रहे हैं? आप जब स्टेटमेंट देंगे तो हम जैसे पत्रकारों को सामने आना पड़ेगा सवाल पूछने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच
जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से मुस्लिम महिला के जिक्र कर सकते हैं और इस विवाद पे बोल सकते हैं, तो हम विपक्ष में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों नहीं बोल सकता? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी तक जिन तमाम लीडर्स को आपने सुना, पार्टी लाइन से अलग हटके अगर हम बात करें और एक महिला होने के नाते बात करें, तो हम सबको ये सुन के कैसा लग रहा है कि हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि महिलाओं को हिजाब में रखो? बहुत अच्छा सवाल किया रीमा जी। मैं तब से तमाम राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि हम महिलाओं का वजूद क्या है। क्या हम चंद कपड़ों में लिपटे जाएंगे? हाँ। वो हमारी काबिलियत का सर्टिफिकेट होगा कि हमें बताया जाएगा कि हिजाब पहन के आप प्रधानमंत्री बनिए और मुख्यमंत्री बनिए? देखिए ओवैसी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो समाज और देश दोनों के लिए मैं घातक मानती हूँ। तुष्टिकरण, धार्मिक उन्माद को हवा देकर जो एक वो घिनौनी राजनीति करते हैं ना, वो ना देश के लिए अच्छा है और ना समाज के लिए अच्छा। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, जो बुद्धिजीवी मुस्लिम हमारे भाई बहन है उनका भी यही मानना है कि जिस तरह से वो राजनीति करते हैं वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहूंगी और बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा तबका, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश में हम रहते हैं जहां मुस्लिम भाई बहन एक उनका एक बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहती है। आपको क्या लगता है कि सानिया मिर्जा के बाद कोई खेल जगत में कोई मुस्लिम लड़की क्यों नहीं आ पाई, क्यों नहीं फुटबॉल में आ पाई, क्यों नहीं टेनिस खेलती है, क्यों नहीं वो महिला क्रिकेट में जाती है, क्यों नहीं जाती है? सिर्फ और सिर्फ ये यूनिफॉर्म की वजह से, क्योंकि उनको वहां पे स्कर्ट पहनना पड़ेगा, वहां उनको पैंट पहनना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर फतवा जारी होगा। तो ये जो अभी काबिलियत की बात कह रहे थे ना, ये देश के प्रधानमंत्री को, और उनको मैं बताना चाहती हूँ कि देश में जो लड़कियां हैं, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, इनके सोच में कमी है। जो चंद काले कपड़ों में उनको लपेट के कहीं ना कहीं उनको वो उनकी दकियानुसी सोच। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कुरान शरीफ बहुत प्रोग्रेसिव है, मैं उनको मैं मानती भी हूँ, मैंने पढ़ा भी है। वो एक शब्द है उसमें इकरा, जहाँ माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक पढ़ने की बात की गई है, और सिर्फ कुरान पढ़ने की बात नहीं है, किसी भी तरह की किताब को पढ़िए, सिर्फ पढ़ने की बात की गई है, आगे बढ़ने की बात की गई है। उसमें ये जो ये छोटी दकियानुसी सोच वाले जो लोग हैं, जहाँ पे सिर्फ चंद काले कपड़ों में लपेट के वो सब कुछ को पीछे कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि वो काले कपड़े नहीं होंगे तो लड़कियों का रेप हो जाएगा, मुझे बहुत सोच इनकी सोच और समझ पे बहुत तरस आता है। क्योंकि ओवैसी साहब के बयान के बाद इनका गुस्सा था इतना, और इन्होंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है सानिया मिर्जा का, और वाकई ये सच है, ये मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा था, अभी ध्यान आ रहा है कि सानिया मिर्जा को लेकर इतने फतवे जारी किए गए, उसके बाद कोई सानिया मिर्जा आपने बनने नहीं दिया इस देश में। मेरे जानने वालों में एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझसे कहा, एक बयान उन्होंने मुझे भेजा, एक अभिनेत्री का बयान, और उन्होंने कहा ये बयान सुनिए गौर से। तो मैंने सुना, तो वो अभिनेत्री जो थी वो इसी हिजाब वाले मामले में बोल रही थी, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान तक भेजने की बात कर रही थी। कहने लगे अब आप बताइए, इसे कहते हैं प्रोग्रेस? तो मैंने कहा साहब, जिसके लिए इसने बयान दिया है उस शहजादी का नाम है मुस्कान, और हमने कहा आपकी अगर कोई बेटी होगी और कल को आपकी बेटी के सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे कि वो इस अभिनेत्री की तरह वो कपड़े पहनती है, ये को कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं भी जिस अभिनेत्री को अभी जस्ट उनका वो रेफरेंस देख रही थी, उन्होंने पर्टिकुलर मुस्कान के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उन नेताओं के लिए कहा था जो इस देश को चाहते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान बन जाए। ये उस अभिनेत्री का स्टेटमेंट नेताओं के लिए था, उस बच्ची के लिए नहीं था। आप गुमराह कर रहे हैं, और अभी हम डिबेट बैठ के जो कर रहे हैं ना, हम नेताओं के लिए कर रहे हैं। मैं अभी भी मुस्लिम बच्चियों से मुखातिब हूं कि वो तय करे कि उन्हें क्या करना है, उनके घर के मर्द और ये बाहर का समाज नहीं तय करेगा, वो मुस्लिम बच्चियां तय करे कि उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, और इसके लिए उन्हें इस संविधान के जरिए, इस देश के जरिए ये हासिल है कि उनका फैसला कोर्ट से होगा। लेकिन ये जो आप पे सियासत हो रही है ना, उस पर हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं जी। आपने मुझे बुलाया डिबेट में बोलने के लिए, और मुझे बोलने नहीं दे रही हैं आप। जब भी आप ट्रैक से पता नहीं क्यों नहीं बोलने दे रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों घबरा रही हैं आप मेरी बात? मैं घबरा नहीं रही हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। अब मैंने अपने दोस्त जो उन्होंने वीडियो भेजा, मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी बेटियां हैं और आपके सामने ऑप्शन रखा जाए कि ये जो लड़की, ये जो अभिनेत्री है जिसके फोटोग्राफ और वीडियो वायरल है, कुछ अर्धनग्न से ज्यादा नंगे कपड़ों में फोटो, अगर ऑप्शन ये दिया जाए कि आपको आपकी बेटी इस तरह के, इस अभिनेत्री की तरह कपड़े पहनेगी या मुस्कान की तरह, तो आपका जवाब क्या होगा? अमीना जी,
आप ही बेहतर जवाब दे पाएंगी। तो शर्मिंदा होके बोले, शर्मिंदा होके बोले, शर्मिंदा होके बोले कि मुस्कान की तरह ज्यादा बेहतर है, दिखती नहीं है, मर्दों की तरह नहीं दिखती रहती है। अदनंगी लड़कियों की फोटो क्या गूगल करके पूरा दिन, ये मर्द अदनंगी लड़कियों की फोटो ही लेते। मुश्किल से इस देश में 1-2% औरतें हैं जो मॉडल्स होंगी, जो अभिनेत्रियां होंगी, और जो कभी कभी अदनंगे कपड़े किसी रोल के लिए या किसी सीक्वेंस के लिए पहनती होंगी, इन मर्दों को ही लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, क्योंकि हमारी पितृसत्तात्मक समाज में औरतों को तो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ही जाता है। चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो कोई भी औरत हो, हम सब पेट्रियार्की की ट्यून पर तो नाचते ही हैं। हमें नचाया जाता है किसी को कपड़े पहना कर, किसी को हिजाब पहना कर, किसी को नंगा या आधा नंगा करवा कर। तो मर्दों की पुष्टिकरण तुष्टिकरण करने के लिए पूरा महिला समाज जो है हम जुटा रहता है। माँ बनते हैं, बेटी बनते हैं, महबूबा बनते हैं, अधरंगा नाचते हैं, हिजाब पहनते हैं, सब मर्दों की खातिर। आज मैं औरतों से गुजारिश करूंगी और इन मर्दों से कहूंगी कि तुम अदनंगी लड़कियों को देखना बंद कर दो, उनका जिक्र करना बंद कर दो। मैं तो अदनंगे मर्दों को नहीं देखती हूँ, या मेरे बगल में आप 100 नंगे मर्द भी बिठा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उनको माँ की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से ही देखूंगी। मैं उनकी नग्नता की ओर अपने अटेंशन को नहीं डालूंगी। समझ गए? आप भी ऐसे ही कीजिए उन अदनंगी लड़कियों के साथ। आप भी उन पर एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह उस नजर से देखिए, चाहे वो नंगी हो, अदनंगी हो, पूरी नंगी हो, मटक रही हो, झटक रही हो, जो कर रही हो। आप अपने मन को पवित्र कर लीजिए, जैसे मैंने अपने मन को पवित्र कर लिया है। आप भी कर लीजिए, आपको आधे नंगे लोग, पूरे नंगे लोग दिखना बंद हो जाएंगे। कोई हिजाब पहनेगा या नहीं पहनेगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैन मुनि और नागा वो पूरी नग्न अवस्था में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कलाकार हूँ, मूर्ति कलाकार हूँ, हमारे क्लासेस में तो मॉडल्स नंगे होते थे, हम उनकी फोटो जी मिल गया भी खींचते थे, उनको बनाते भी थे, उनकी मूर्ति भी बनाते थे, उनके सारे अंगों को डीपली स्टडी करके बहुत 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 शरीर को आप चाहते हैं इसकी इसकी इज्जत कीजिए। बोल रही है तो आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, यही नहीं चाहते भी, अर्धनग्न में भी, पूर्ण नग्न में, पूर्ण ढके हुए भी। खुदा के वास्ते शरीर की अगर आप इज्जत करेंगे तो आप किसी को भी हिजाब में कभी बंद नहीं करेंगे और किसी को शायद जी मैं आपसे समझना चाहूंगी नचाएंगे भी नहीं। शरीर हमको खुदा ने, प्रकृति ने दिया है, इसके इसके थ्रू ही अमीना जी का सीधा सीधा कहना है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में गंदगी है। जो भी इस तरीके के ख्याल लोग लेके आते हैं कि महिलाओं को ढक के रखो, महिलाओं को बुरके में रखो, महिलाओं को घूंघट में रखो, आप नहीं, मर्दों को हिदायत देता है कुरान के वो अपने दिल, कलेजे, आंख और दिमागों पर शर्म का, डीसेंसी का हिजाब डाल के रखें, क्योंकि मर्द ही बेहुदे होते हैं समाज में, मर्द ही बलात्कारी होते हैं और पितृ। अब महिलाएं कहना शुरू कर चुकी हैं कि हिजाब की जरूरत औरतों को नहीं, मर्दों को है। बिल्कुल नहीं है, औरतों को पता ही नहीं है। मर्दों को अपनी गंदी नजरों पर हिजाब रखना है। एक हिजाब का एक दीवार होती है, एक स्क्रीन होती है, औरतों के पहनने के कपड़े का नाम ही नहीं है। ये एक दीवार, एक स्क्रीन नहीं, वो गुस्सा है, वो खत्म नहीं होगा। और मैं रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकती उन्हें। ये गुस्सा निकलना चाहिए, ये आप लोगों को पता चलना चाहिए, मर्दों को ये पता चलना चाहिए। समझा दूं कि आप अपनी माँ के पेट से नंगे निकले थे, आपकी माँ भी नंगी ही थी जिस वक्त वो आपको जन्म दे रही थी, डॉक्टर भी उनके पास खड़े हुए थे। कोई लज्जा नहीं है इस शरीर में, इसको ये कोई गंदा नहीं है, इसको इस तरह से कूड़े की तरह ना तो ढकने की जरूरत है, ना इसकी नुमाइश करके करने की जरूरत है। मैं तो फिल्मों के भी उन फिल्मों के खिलाफ हूँ जहाँ औरतों को कोई रोल नहीं दिया जाता, सिर्फ मटकने झटकने के लिए औरतों को खड़ा कर दिया जा रहा जाता है। मैं उसके भी खिलाफ हूँ, औरतों को ढकने के भी खिलाफ हूँ, और औरतों को पितृसत्तात्मक समाज में मर्दों की सच्चाई से सामना हो रहा है तो आप भाग रहे हैं, आप फिर से उठ के चले गए खत्म करने के। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप एजेंडे के साथ चल रहे हैं? शेफ जी आप मोबाइल देख रहे हैं? अकेली नहीं हूं, ये कुरान में कहा। शेफ जी आप मोबाइल देख रहे हैं? करना नहीं आता है आपको ना डिबेट करने का तरीका सीखिए। अभी सवाल मेरा नहीं है, अभी सवाल मेरा नहीं है, वो जो अनिमा जी है उनका सवाल है, उनको जवाब दे दीजिए। आपके सीनियर एंकर है अमीश देवगन जी, उनके साथ मैं और वसीम वकार हर रोज आर पार के डिबेट में आते हैं। आप अपने सीनियर से सीखिए,
पर मुझे ये मर जवाब दे कि आधी नंगी लड़कियों की फोटो आप पहले उन्हें जवाब दे दीजिए ना, मेरे बारे में, मेरा कद के बारे में बाद में तय कीजिएगा, मैं क्या हूँ नहीं हूँ, मेरा कद आपसे तय होगा भी नहीं, मेरा कद वैसे आपसे तय नहीं होगा, पहले उन्हें जवाब दीजिए जो आपसे सवाल पूछने की हिजाब पहनने की जरूरत आपको है। देखिए लाग लपेट नहीं आता ना रीमा जी, मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, मैंने पीएचडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कैंसर रिसर्च पे की है और पोस्ट डॉक्टरेट लंग कैंसर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से की है, फिर इंडिया वापस आया हूँ। मैं पढ़ा लिखा मुसलमान, मैं बस इंटरफेल हूँ। आपने बहुत पीएचडी कर ली, पर अगर पीएचडी करके किया क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जवाब दूं रीमा जी? शायद जी, तो मैं तो बोल ही रही हूं कि आप उन्हें जवाब दीजिए। दो पॉइंट पे ध्यान इंटरप्टेड जरा, उन्होंने पीएचडी किया, एक सवाल पूछा गया आपके रवैये से नजर आना चाहिए कि आपने पीएचडी किया। आपकी सोच तो कुरान शरीफ से पहले की सोच है, 1500 बरस से भी पीछे आप जा चुके हैं और कहते हैं कि आपने पीएचडी किया है। किस सब्जेक्ट में किया था? सवाल पूछा गया औरतों की तल्फी करने में पीएचडी की थी आपने। सानिया मिर्जा के बाद जो है कोई मुस्लिम लड़की क्यों नहीं स्पोर्ट्स में अपना नाम या जोहर कमा सकी? मैं दो एग्जांपल रिसेंट देता हूं इसी 2021 का। तस्नीम मीर एक लड़की है गुजरात से, वो अंडर 19 में वर्ल्ड लेवल पे नंबर वन उसकी रैंकिंग आई है, मुस्लिम महिला है, मुस्लिम समाज से, हिजाब भी पहनती। अच्छा, जो नहीं भी पहनती उसके लिए भी गर्व। एक लड़की है केरला से, मुसलमान नहीं, वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप में अभी नंबर वन पर है वो अंडर 19 गर्ल्स में, ठीक है, जो है अगर नहीं भी हिजाब पहनती तब भी उतना गर्व होता, और अगर कोई पहना है तब भी उतना ही गर्व है। मेरा कोई नजरिया नहीं है कि किसी के लिए हमको कुछ पहना देना है। दूसरी बात आपको कह रहा हूँ कि एक बात बताऊं, ये जितने राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं, असल में बेटियों का दर्द उन्हीं को होगा जिनके घर में बेटियां हों, प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर को नहीं होगा। और ये हिजाब 10 तारीख के बाद उनको गिफ्ट करूंगा जब बीजेपी के हार के बाद चेहरे छुपाने के लिए काम आएंगे, ये बात नोट करके रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद। अभी, अभी जब, कोई बात मुझे अभी नहीं, जब एक महिला आपके सामने सवाल उठा रही थी, गारमेंट है जिसको शर्मिंदा करना हो उसको हिजाब पहनाओ। बहुत अच्छा कहा आपने, हारे हुए लोगों को हिजाब पहनाना चाहिए मुंह छुपाने के लिए। तो अब मुझे पता चला कि औरतों के प्रति क्या रवैया है आपका। हम हारी हुई है, हम मुंह छुपाने के काबिल हैं, जैसे कि मोदी जी और योगी जी होंगे 10 तारीख के बाद, ये कह रहे हैं ना आप। दोनों बेनकाब हो चुके हैं। शहजाजी मैं आपके पास आती हूँ, जब चुपते हुए सवालों से सामना हुआ और बहुत अच्छी बात रही कि इस डिबेट की गर्मा गर्मी में क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात कह के गए हैं कि हिजाब वो किसको गिफ्ट करने वाले हैं और हिजाब गिफ्ट करने का मकसद क्या है, यानी जिन बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है मकसद क्या है, शोएब यहाँ पे क्लियर करके जा चुके हैं। देखिए दरअसल जिस प्रकार से, अगर मैं अपनी बात रखूं, कुरान में जिस हिजाब के का जिक्र है, जिस हिजाब के बारे में बोला गया है, वो तो गंदे मन पर शर्मिंदगी का हिजाब डालने की बात की गई है। और ये दोनों ही जो लोग यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, सबसे ज्यादा जरूरत हिजाब की तो उनको ही है, क्योंकि उनके मन में जो गंदगी है उसको बाहर दुनिया को नहीं देखना चाहिए, तो उनके लिए जरूरी है ये हिजाब। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता था, ये अब चल दिए, अगर ये विकल्प का मामला है तो कल अगर कोई बेटी हमारी मदरसे में पढ़ती है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसा है, जिसको स्टेट फंडिंग करता है शैक्षणिक स्थान के तरह, तो अगर वो बेटी बोलती है मेरा विकल्प है मुझे आजादी चाहिए कि मैं उस मदरसे में जींस पैंट पहनकर जाऊं, तो क्या ये जो हिजाबी भाईजान उठकर चले गए, क्या वो उस विकल्प को स्वीकारेंगे? क्या वो महिला को उस अधिकार के लिए देंगे? नहीं देंगे। ये महिलाओं के विकल्प की बात है ही नहीं, ये दरअसल महिलाओं को हजारों साल पीछे ले जाने की राजनीति। और देखिए वो दो हिजाबी भाईजान चले भी गए, पर यहां पर मुझे दुख इस बात का है कि अनुमा जी जो कि एयरफोर्स में है, और एयरफोर्स के जैसे नियम कायदे होते, स्कूल के भी नियम कायदे होते, कॉलेज के भी कुछ जिनके हैं नियम कायदे, उनके नियम कायदे फॉलो करना है, और हिजाब एसेंशियल हिस्सा इस्लाम का नहीं है, फिर भी बरगलाने की कोशिश। अनुमा जी मुसलमान तो नहीं है? मैं मुसलमान हूं, मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में। मैंने अपनी मां को देखा है, मैंने अपनी बहनों को देखा है, परंतु अनुमा जी जानबूझकर उसकी तुलना सिखों के केश के साथ कर रही है, जो कि एक एसेंशियल हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और ये उनकी बदनीयती है। एक वोट बैंक को भड़काने के लिए, चुनाव के लिए इस प्रकार से 1500 साल पीछे ले जाना, ये उनकी के एजेंडे से अलग नहीं हट रही है। मैं आपके नाम में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं देख रही थी, मैं उसके पहले आपका प्रोफाइल भी देख रही थी, और उसी उम्मीद से आपसे बात भी करी थी। शहजाद भी आपसे बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं,
वो आपके प्रोफाइल के बारे में बार बार बता के बोल रहे हैं कि अगर आप जैसी महिलाएं अगर मुस्लिम बच्चियों को आगाह करें और उन्हें समझाएं कि क्या हो रहा है, उनके कंधे पे रख के उनके हिजाब की आड़ में घुस के सियासत हो रही है, तो शायद बेहतर तरीके से उन्हें समझ में आएगा। देखिए फौजी, हूँ इसीलिए ये सोच रही हूँ कि इसी 15-20 दिनों में भगवे को तिरंगे की जगह लगा दिया गया, उस पर बहस नहीं हुई, लेकिन उन बयानों पे बहस हो रही है, उनपे बहस हो रही है, उनपे बहस हो रही है। चेक कराइए आप, हिंदू और मुस्लिम चेक कराइए, कौन सा तिरंगा कहाँ से हटाया गया। रीमा जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक पूर्व फौजी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वक्त नहीं था, तिरंगा रिप्लेस नहीं किया गया है, तिरंगा रिप्लेस नहीं किया गया है। टोक रही है आप, बोलने नहीं दे रही, आप गलत बात बोल रही है, इसलिए मैं आपको टोक अगर आपकी बात झूठ निकल के क्या आप राजनीति छोड़ देंगे। आपको याद दिला दूं, शाहबानो के केस में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था, वोट बैंक के लिए आपने महिलाओं को फिर से उसी जुल्म में झोंका जो कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को हर्जाना मिलेगा उनके पतियों द्वारा तलाक दिए जाने पे। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लिए, आप उसी एजेंडे पे आज तक चल रही हैं। अब मैं आपको खुल के कहती हूँ, मैं आपको खुल के कहती हूँ, आपको मेरे ऊपर जितने निजी आरोप लगाने हैं लगाइए, लेकिन ये डिबेट आज जो मैं कर रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ, मैं ये डिबेट एक महिला होने के नाते भी कर रही हूँ। अगर मैं पत्रकार हूँ तो मैं एक महिला भी हूँ, और महिला होने के नाते मेरा ये दायित्व है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर महिलाओं के बुरके के आड़ में कोई सियासत करेगा, मैं उसे बेनकाब करूंगी। और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, शहजाद जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा कि तिरंगे को रिप्लेस किया गया था और वहां पर भगवा झंडा लगाया गया था, ये वायर इनको तो पसंद है, वायर की रिपोर्ट है, फैक्ट चेक, ट्राइकलर वाज नॉट रिमूव्ड टू इंस्टॉल सैफरन फ्लैग। अभी देखिए वायर की रिपोर्ट उन्होंने खोल दी, आप देख लीजिए, बीजेपी प्रवक्ता से बात करती है, आप देख लीजिए। नहीं नहीं, अनुमा जी को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने के लिए, ये वायर की रिपोर्ट है, उसने फैक्ट चेक किया है। अनुमा जी इतनी सम्मानित होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस मामले में भड़काने के लिए झूठ बोल रही है, इसका खंडन करता हूं मैं। अनुमा जी आपको कम से कम हमें सोचा था कि एक पूर्व फौजी होने के नाते आप झूठ नहीं बोलेगी, ये वायर की रिपोर्ट है। अगर ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो आप बोलिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप छोड़ दीजिए। मुस्लिम की खाई आप बढ़ा रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, मुझे शर्म आ रही है कि आप लोग इस तरह से ऐसे बयानों का साथ दे रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिससे हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ रही है। सवाल आप मुझसे पूछती हैं, जवाब आप प्रवक्ता से लेती हैं, इसका क्या मतलब है? पूछ रहे ना शहजाद जी, आपसे पूछ रहे हैं, और 20 सेकंड शहजाद जी, शहजाद जी आप नहीं तो क्या फायदा दिखा रहे हैं, बुलाना चाहते। अरे आपके शोर मचाने से क्या हो जाने वाला, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा लेकर आई है, कोई शोर मचाने से क्या होगा, मैं तो देख रही हूँ पहली बार एक एंकर देख रही हूँ जो हर 10 सेकंड में टोकता है, पहली बार देखा है मैंने। आप गलत जा रही हैं, और आप गलत जा रही हैं, मैं कह रही हूँ कि आप नहीं, आप सवाल पूछती हैं तो अरे मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं बीच से हट जाती हूँ, आप नहीं, आपके चैनल से मैं बात करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, आप कर लीजिएगा, आप बिल्कुल आजाद हैं चैनल से बात करने के लिए, कर लीजिएगा। पहले आप एक ही चैनल के लोग, एक ही प्रवक्ता को बुलाइए, आप बुलाते हैं और बात करने नहीं देते हैं। चलिए आपको बीजेपी से आपत्ति है, मैं आपका अनुमा जी के, मैं सुप्रिया सत्यम के पास लिए चलती हूँ, सुप्रिया सत्यम ये कांग्रेस पार्टी की लीडर है, फौज में नहीं है। सुप्रिया जरा देखिए, जरा आप ही बात कीजिए, आप सुन लीजिए, आप देखिए ना, बहुत अजीब सी बात है कि हम एक महिला एंकर पे एक के बाद सबके सब बॉम्बार्डिंग करने में लगे हुए कि वो गलत है, वो सही सवाल नहीं पूछ सके। मैं सच कह रही हूँ, सबको तीखा लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे ये लग रहा है कि एक महिला एंकर बैठी हुई है और महिलाओं के लिए सवाल कर रही है, महिलाओं के लिए जवाब चाहती है, और सब मिलकर उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करने में लगे हुए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात है ये, जो एक अच्छे मुसलमान होना और हिजाब पहनना दोनों दो चीजें हैं, इसको आप हिस्ट्री से जोड़ के मत देखिए, धर्म और जाति से धर्म से ऊपर रख के आप महिलाएं महिलाओं की बात कीजिए। मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करना चाहती हूँ, 30 साल पहले तक वहां कोई नहीं पहनता था, कोई हिजाब और बुरके की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है, आज वहां कोई अगर हिंदू लड़की भी जाती है पढ़ने के लिए, आप जाके फैक्ट चेक कीजिए, उसको भी हिजाब में जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है आप, और वहां भी अगर मना किया गया तो इतना शोर है पूरे देश में, इतना शोर क्यों मच रहा है।
गलत बयानी, नफरत फैलाना, खाई बनाना, ये मुद्दा है आपको लिखना चाहिए। ये सारे राजनीतिक एजेंडे हैं जिसको बीजेपी पहले चालू करती है और फिर उसकी टीम भी शुरू करती है। आप ये देखिए तो सही, पहले बीजेपी में सफलता नहीं मिली उसको, उसके एजेंडे में बीजेपी को सफलता नहीं मिली, तो अब उन्होंने अपनी टीम भी को आगे कर दिया है। कांग्रेस की बात आप कीजिए, आप कांग्रेस की बात कीजिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नंबर वन पे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हमको क्या करना है लेकिन हिजाब पहन आपको और हमको है ना? क्या करना है उनके, उनकी पर्सनल चॉइस है। शेरवानी आखिरी कमेंट आपसे, वक्त की कमी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन तो हिजाब पहन देते हैं, मगर वो बच्ची आजकल तो बेबी हिजाब्स आ गए हैं, न्यू बॉर्न बेबी गर्ल की साइज के भी हिजाब आ गए हैं। पैदा होते ही बड़े शान से लोग अपनी बेटियों को हिजाब में डाल रहे हैं, 5 बरस की बच्चियां, 4 बरस की बच्चियां। पूरे कुरान शरीफ में जैसे मैंने कहा कि हिजाब एक दीवार एक स्क्रीन का नाम है, और वो मर्दों को अपनी आंखों के ऊपर शर्म के हिजाब रखने होते हैं, डिसेंसी के हिजाब, औरतों के लिए कहीं पर हिजाब लफ्ज को औरतों से कनेक्ट ही नहीं किया गया है पूरे कुरान में, तो ये हिजाब नाम ही गलत है। पता नहीं वो कौन सी चीज़ है जो कुरान ने कहा है पहनने को। बहुत पहले से मैंने सुना था, पढ़ा था कि जब आप पे उंगली उठे, जब सवाल उठे, तो आप मान लीजिएगा कि आप सही राह पे हैं। इस डिबेट में भी आज कुछ लोगों ने इसी तरीके से कदम उठाने की कोशिश की, निजी हमले कटाक्ष खूब उठाए। मैं महिला हूं और महिलाओं की बात कर रही थी, मैंने ये बेनकाब किया कुछ चेहरों को इस डिबेट के जरिए कि कौन वो चेहरे हैं जो हिजाब के पीछे जाकर सियासत कर रहे हैं और इस मुल्क को फिर से बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो भी महज चंद वोट के लिए। अगले डिबेट में एक बार फिर से ऐसे ही चेहरों को बेनकाब करूंगे। फिलहाल शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।